महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध जता रही है, तो अब यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को भी जमकर घेरना शुरू कर दिया है। हमीरपुर रेल लाइन के मुद्दे पर सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा बार बार श्रेय लेने पर यूथ कांग्रेस सचिव अभिषेक राणा ने नए तथ्यों के साथ अनुराग ठाकुर के पिता पूर्व सीएम धूमल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभिषेक राणा ने परमाणु कालका रेल लिंक को लेकर सवाल उठाए और दो टूक शब्दों में कहा कि 1999 में धूमल सरकार के समय 30 करोड़ की लागत से परमाणु कालका रेल लाइन का शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज दिन तक वह काम नहीं हुआ है और अब सांसद हमीरपुर तक रेल लाइन पहुंचाने का नाम पर गुमराह कर रहे हैं। महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने हमीरपुर में जमकर हल्ला बोला और हीरानगर से इकट्ठे होकर युवाओं ने पैदल मार्च करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभिषेक राणा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन के दौरान गांधी चौक पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। युवाओं ने चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बीजेपी सरकार के अधूरे कामों को लेकर प्रस्तुतियां दी। अभिषेक राणा ने कहा कि आज देश में महंगाई की मार जनता झेल रही है और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन कांग्रेस के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में युवाओं के द्वारा प्रदर्शन को उग्र किया जाएगा। अभी सड़कों पे हर जगह हम विरोध करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। जो इन्होंने गलत नीतियां प्रदेश भर में और देश भर में जो है आम जनता के लिए बनाई हैं, उनका विरोध भी करेंगे और लोगों को उसके बारे में अवगत भी कराएंगे। अभिषेक, कहीं ना कहीं सांसद अनुराग ठाकुर जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो जुमलेबाजी बंद करें, क्योंकि रोजगार ना उन्होंने दिया है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है रेल लाइन का, जो वो कह रहे हैं शिलान्यास होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि 1999 में जब प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे और रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो परमाणु में लिंक ब्रॉडगेज जो बनना था रेलवे का, जिसकी लागत 30 करोड़ के आसपास थी, उसका शिलान्यास जो है मीडिया में जनता में हुहल्ले से किया गया था और दो दशक होने वाले हैं, आज तक वो जो है वो नहीं बना। और मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। जो उन्होंने पैम्फलेट उस समय बांटे थे कि शिलान्यास रखा गया है, और धूमल साहब उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है परमाणु की जनता को, हिमाचल की जनता को जो है राहत दी जाएगी, और उस समय इतने मीडिया में प्रचार किया गया था। शायद आज के युवा को और आज की जनता को याद नहीं दिलाना चाहेंगे, लेकिन आज विरोध में हम ये भी याद दिलाएंगे उनको कि जो उन्होंने वादे पहले किए थे, दो दशक हो गए वो पूरे नहीं हुए, पहले उसका हिसाब किताब दें, फिर अगली रेल लाइन की बात करें। प्रदेश सरकार को महंगाई पर घेरते हुए राणा ने कहा कि बस किराए में भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और अभी तक बढ़े हुए किराए की नोटिफिकेशन तक नहीं होने से किराया बढ़ा दिया गया है, जिससे जनता को और महंगाई की मार पड़ रही है। आज युवा कांग्रेस ने हमीरपुर में महंगाई के खिलाफ आज प्रदर्शन रखा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी और डॉलर की कीमत 60 रुपए के आसपास थी और पेट्रोल कम दामों पर मिलता था तो यह हाहाकार मचा देते थे। आज प्रदेश की, देश की जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि 90 रुपए के आसपास पेट्रोल पहुंच चुका है, डॉलर की कीमत जो है वो 73 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, कानून व्यवस्था जो है प्रदेश की वो एकदम बदतर हो चुकी है। आए दिन जो है दिन दिहाड़े लोगों पे, कांग्रेस के नेताओं पे हमले किए जा रहे हैं, नशा इतना बढ़ चुका है, उसके लिए आज हम सब ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो है वो किया है। तुलना देखिए आप, जहाँ पे 60 रुपए के आसपास था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा चुकी है, आज 73 रुपए के आसपास पहुंच चुका है और पेट्रोल जो है, पेट्रोल और डीजल जो है वो लगभग 100 का आंकड़ा जो है वो छूने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आप जिससे देश जो है संभाला नहीं जा रहा, नरेंद्र मोदी जी जो कि अंबानी परिवारों को फायदा देने के लिए पूरे विदेश में, पूरे देश भर में ऐसी नीतियां बना रहे हैं, और जो किसान है, जवान है और युवा है वो त्राही त्राही कर रहा है, आने वाले 6 महीने में कांग्रेस और युवा कांग्रेस जो है वो मुंह तोड़ जवाब जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देगी। क्या रहेगा ये कांग्रेस का फिलहाल? देखिए, सिर्फ किराए में नहीं, हर एक चीज महंगी हो चुकी है। आज बस का जो किराया है प्रदेश सरकार ने बढ़ाया, जिसकी नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन उससे पहले ही जो है जितने भी बस के जितने मालिक हैं उन्होंने आज किराया बढ़ा दिया है। कभी ये सरकार 6 रुपए करती है तो उसको 1 रुपए कम कर देती है। जिस तरह GST लागू किया गया था, कोई फिक्स पॉलिसी नहीं थी, उसी तरह इस प्रदेश की सरकार की भी कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है। रात में जो इम्प्लीमेंट करती है वो सवेरे जो है उसको विड्रॉ कर लेती है।